नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हॉस्टल में रहे हैं वो अपनी जिंदगी के मैनेजर बन जाते हैं बिना MBA किए। Whether you love it or you hate it, पर जो हॉस्टल में रहा है वो अग्री करेगा, वो उसकी जिंदगी का अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहे उसकी लाइफ में। हॉस्टल की एक डेफिनेशन भी है, हाउस ऑफ स्टूडेंट टू एंजॉय लाइफ। हाँ, मैं अभी रिसेंटली मैं CDS अंबाला गया था। हॉस्टल ये वो जगह है जहाँ चाइल्ड डेवलप करता है अपना फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आउटसाइड फैमिली, परिवार के बाहर पहली बार संबंध बनाता है। पहली चीज क्या है, हॉस्टल लाइफ में ना बच्चे का इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ उसको माँ उठाती है, उधर वो थोड़ा ओनरशिप लेता है अपने टाइमिंग की, पंक्चुअलिटी की। पेरेंट्स कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं, लेकिन वहां पे बदलती हुई परिस्थितियों में वो अडैप्ट करना सीखता है। जो बच्चे जिंदगी भर हॉस्टल में पढ़े हैं वो बड़े सेट टाइम पे नाश्ता खाना खाते हैं। हॉस्टल की लाइफ स्टैंडर्डाइज है, इक्वालिटी है, एक जैसे कपड़े सारे पहनेंगे, ट्रीटिंग ईच अदर वेरी इक्वली। वो दो साल कम से कम बच्चे को हॉस्टल में भेज के उसके कॉन्फिडेंस को बड़ा करना चाहिए। मैं भी रिसेंटली एक स्कूल में गया था अंबाला में, मेरे क्लाइंट है उन्हीं का स्कूल है, उसको हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रेन कंसल्ट कर रहे हैं। और मैंने उनके स्कूल में देखा, वहाँ 365 दिन की एक्टिविटीज चल रही है। स्विमिंग भी हो रहा है, NCC भी हो रहा है, हॉर्स राइडिंग भी हो रहा है, कराटे भी हो रहा है। हफ्ते में एक दिन एक घंटा खेलने कूदने से सेहत नहीं बनती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बेनिफिट ही अलग लेवल का होता है। सोशल स्किल और ओवरऑल पर्सनालिटी जो बच्चे की बिल्ड होती है, आप अपने मोहल्ले में हॉर्स राइडिंग नहीं करा पाओगे। यहाँ अगर अच्छे हॉस्टल में हॉर्स राइडिंग होती है, ट्रेंड हॉर्सेज और एक्सपर्ट हॉर्स राइडर्स हो वहाँ पे, तो बच्चे को ना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सीखने को मिलता है। इनके हॉस्टल जब मैं गया तो वहाँ देखा मैंने कि करियर डिफेंस के अंदर उन्होंने शावर क्यूबिकल बनाए, चेंजिंग रूम बनाए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, एक्सपर्ट कोच है, बिल्कुल हाइजीनिक कर दिया है। जिम फिटनेस में वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, फंक्शनल, क्रॉसफिट करेगा वो, स्नूकर टेबल टेनिस खेलता है, मसल डेवलपमेंट करता है, मेंटल स्ट्रेस खत्म होता है, आइडियल वेट बनाता है बच्चा अपना, मेमोरी और ब्रेन फंक्शन बढ़िया करता है। तो करियर डिफेंस में मैंने क्या देखा, कंपलसरी ट्रेनिंग रखी इन्होंने सबको NCC की, उससे डिसिप्लिन, कैरेक्टर और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर बच्चा सीखता है। मैं इस बिल्डिंग में अलग अलग जगह गया घूमने, मैं आपको वीडियो में साथ साथ दिखाता हूँ। CDS में मैं जब अंदर कंप्यूटर लैब देखा तो 500 कंप्यूटर लगाए। मैं पूछा भाई इतना कंप्यूटर क्यों लगाया, बोला हमने बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देना सिखाया, हमने बच्चों को हर संडे ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दिया ताकि पेरेंट्स को रिपोर्ट मिलती रहे। इस स्कूल के अंदर बच्चा ऑर्गेनिक खाना खाएगा, और न केवल खाएगा, वही उगाएगा, वही गाय का दूध निकालेगा भी, वही फल सब्जी भी उगाएगा। उससे बच्चा नेचर से कनेक्ट होता है क्योंकि वो खुद भी खेती करना सीखने लग जाता है। फाइनली मैं ये जरूर कहूंगा, जिस भी हॉस्टल में बच्चे को डालो आप, वहां पे उसका सेफ्टी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक अच्छा काम क्या कर दिया, 300 CCTV कैमरा लगा दिए, हाई कवरेज CCTV कैमरा, ताकि हॉस्टल से लेके स्कूल से लेके हर कॉर्नर नजर आ जाए। उनकी सेफ्टी सैक्रोसैंक्ट हाईएस्ट होनी चाहिए।